बेसिकली ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप अपने डाटा को उनमें से किस मॉडल के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इन सब मॉडल्स को इनमें मैम ने रिग्रेशन पढ़ा चुकी हैं, बाकी हम लोग मे बी सोन फ्यूचर में ये सारे अभी हमने पढ़ने हैं, इसलिए मैं इनके डिटेल्ड उसमें नहीं जाना चाह रही क्योंकि हम लोगों ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे करना है, तो वो फर्दर आगे मैम भी बता देंगे हम लोगों ने उनकी डिस्कशन के बाद क्लासिफिकेशन में हम लोगों उसको अपनी क्यू से पास करते हैं, क्यू जो हमने रूल की बेसिस पे एक क्यू मेंटेन करें कि कौन सी एप्लीकेशन कितनी रिस्क है, टॉप प्रायोरिटी पे है, तो हम उसको पहले अपने मॉडल से ट्रेन करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फाइन ग्रेन फीचर और उन फीचर की बेसिस पे और कोर्स ग्रेन की बेसिस पे अपने मॉडल में उसको पास कर रहे हैं और उसको कैटेगराइज कर रहे हैं सिंपली। इस पूरे प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एनवायरनमेंट यूज हुई उसमें 48 GB रैम क्योंकि ज़्यादा है, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा की प्रोसेसिंग करना, सारी APKs को उनकी फीचर की एक्सट्रैक्शन करना, तो इसके लिए काफ़ी स्पीड अप सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। वर्चुअल मशीन यूज़ की है, यूबंटू 16 और ये सारी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पेपर तो हमारे पास जो डाटा सेट था वो उसने इतना सैंपल उठाया, इतनी फैमिलीज उठाई, ये करंटली ये डाटा सेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर पेपर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए डाटा सेट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी क्योंकि मे बी इस ऑथर ने ये डाटा सेट खुद बनाया और वो इसलिए पब्लिकली ये डाटा सेट दे ही ना रहो, अभी ये हमारे पास इम्प्लीमेंट नहीं है। इसके सोल्यूशन के लिए भी हम मैडम से फिर देखते हैं कि मैं खुद अगर कोई डाटा सेट आप लोगों को दे सकूँ तो मैं खुद एक डाटा सेट प्रोवाइड कर दूँ मेलवेयर का और उनकी बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर सके। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा सॉरी इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी। तो इस तरह है कि ये जो डेटा सेट है इसके ऊपर बिल्कुल मैं और मैम बड़ी देर से काम कर रहे थे, तो इसमें ये चूंकि मिलिशियस एप्स वगैरह का डेटा सेट है ना, तो इस तरह के डेटा सेट जिनमें मिलिशियस किस्म की चीजें होती हैं उनको नॉर्मली पब्लिक रखा नहीं जाता ना, ताकि उसको कोई मिलिशियस एक्टर डाउनलोड करके उसे अपना कोई मतलब काम ना निकलवा करें। तो इसके हवाले से हमने इन ऑथर्स को भी ईमेल की भी है पिछले 3 दिन पहले से, और इसके अलावा ये जो इनकी वेबसाइट जो उन्होंने अपने पेपर में डिफाइन की है वो वेबसाइट ही अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम वो डाटा सेट जो है वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे। तो उसके हवाले से हमने मैम को भी इन लूप लिया हुआ था, और जो ऑथर के साथ हमारी कम्युनिकेशन चल रही है उसमें मैम भी साथ साथ शामिल। तो अगर कोई हमें डेटा सेट के हवाले से जो भी अवेलेबिलिटी होती है वो फिर हम ऑटोमेटिकली ग्रुप के ऊपर और आप लोगों को भी अपडेट कर देंगे। अदरवाइज फिर जो उसका दूसरा सलूशन हमने काफी डिस्कशन की आपस में मैंने और मैम सरवत ने, तो फिर ये आ रहा था कि अगर आपने प्रोसेसेस रन करने हैं तो फिर शायद अगर वो वाला डेटा सेट नहीं मिलता तो उनकी ऑल्टरनेट कोई APK का डेटा सेट एक छोटा वाला देख के बना के कोई ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसको डाउनलोड करके उसके ऊपर फिर एक्टिविटी रन कर लें। तो इसके हवाले से हम मैम से मतलब डिस्कस करने के बाद ही आप लोगों को अपडेट दे सकेंगे। जी प्लीज आप कंटिन्यू कर लें सरवत। अच्छा, इसके बाद इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन में सबसे पहली लिमिटेशन ही यही थी कि इसने जो काम किया, रिजल्ट में देखे इससे सब क्लासिफायर्स की एक्यूरेसी, रिकॉल, प्रिसीजन, F1, ये सारे एक हमारे पास एक्यूरेसी की फॉर्म्स है जो कि जिसको हम कहते हैं मैट्रिसेस के फॉर्म में आते हैं, ये सब क्लासिफायर के अलग अलग इसने एक्यूरेसी शो कर दी है। इस केस में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी रेंडम फॉरेस्ट की है, तो हमारा डाटा रैंडम फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छा है कि हम अपने डाटा को रैंडम फॉरेस्ट से ही पास करें और इसी एल्गोरिदम पे ट्रेन करें। तो बाकी सब इसने सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज़ किए, क्या हमें पता होना चाहिए कि बाकी क्यों पे KNN पे इसकी कितनी थी, MLP पे कितनी थी, QDA पे कितनी थी, ये ग्राफिकली उसने शो कर दिया हर एक की, वहाँ पर टेबल के फॉर्म में थी, यहाँ पे ग्राफ्स में से शो कर दिए कि इतना। ये थी कि सब ने बाइनरी क्लासिफिकेशन की है, मल्टी क्लास किसी ने क्लासिफिकेशन नहीं की थी, तो हम
Yes, clear. How are you? Sorry. और उसके बाद हमने इस पे ब्रेक आ रहा है बीच में आपको आपकी आवाज का. अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही. यस सर. इसकी बेसिक जो लिमिटेशन एक ये है कि हमने सिर्फ स्टैटिक डाटा पे काम किया, डायनेमिक पे नहीं किया. आ जाती है कि जब आपका डाटा ऑफुस्केटेड होगा तो वो आप डी ऑफुस्केट किए बगैर आप उस पर कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते. आप नहीं बता सकते कि ये एप्लीकेशन मलिशियस थी या नहीं थी. तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है. अभी हमारे पास इट मीन कि ये जितना डाटा सेट था सारी वो एप्लीकेशन होंगी जो नॉन ऑफुस्केटेड थी. फ्यूचर में जब हमने इस पर काम करना, आप एज अ वर्क भी इस पर एमएस के स्टूडेंट ले सकते हैं और इसी पे काम भी कर सकते हैं. इसकी जो ऐसी एप्लीकेशन आजकल जितनी भी प्ले स्टोर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर की एप्लीकेशन है सारी तो हम उन डाटा सेट से ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है. इसको भी ओवरकम कर सकते हैं कि हम उन एप्लीकेशन को भी इसके साथ ले प्लस डायनेमिक एनालिसिस के साथ भी. जब ऑफिस्केटेड एप्लीकेशन आ जाती है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ हम नहीं कंक्लूड कर सकते कि हमारे पास एप्लीकेशन किस टाइप की. फ्यूचर वर्क में भी इसमें एग्जैक्टली यही बात ही है कि हम इसको डायनेमिक में या ऑफुस्केटेड एप्लीकेशन है तो उनके लिए फ्यूचर में काम करें. और कंक्लूजन ये मैं नॉर्मली यही कि हमने कितनी फास्टली डिटेक्ट किया अपनी एप्लीकेशन को और किन क्लासिफिकेशन प्रोसेस से इनकी एक्यूरेसी को डिटेक्ट. बस यही ओवरऑल है. आवाज क्लियर नहीं आ रही. आवाज अब आ रही है आपको? मेरी आवाज थोड़ी शायद मेरे साइड इंटरनेट का थोड़ा इशू है. फैसल जी जी प्लीज. ठीक है फैसल बस यहाँ पे इसको वाइंड कर. हाँ आप इससे नेक्स्ट कीजिए ना वो जो वो वाला. अच्छा इसके हवाले से ना कुछ गाइडलाइंस थी वो मैम से मैंने डिस्कस की थी और अब मैं स्लाइड शेयर करूंगी आप ही कर लेंगे? मैं ही कर लेती हूँ. इसके एंड पे कुछ है? मैंने एक्चुअली स्लाइड्स देखी नहीं. हाँ मैं बता देता हूँ आप प्लीज सिर्फ स्लाइड्स आगे कर लें. ठीक है जी. तो मैम से डिस्कशन चल रही थी जैसा कि मैम ने आप सबको ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्म किया था कि हमारे पास जो ये एक्टिविटी होगी ये तीन मेंबर्स का एक ग्रुप बनेगा और वो ग्रुप इस पूरे के पूरे पेपर को इसके अंदर जो भी ऑथर ने वर्क किया है उसको इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है उसके लिए जो ग्रुप की मैनेजमेंट होगी वो अभी मैम ने आप लोगों पे ही छोड़ी हुई है कि एक पीएचडी स्टूडेंट और दो एमएस स्टूडेंट तीनों मिलकर अपना ग्रुप फॉर्म कर लें जो भी जिन लोगों से आपका ताल्लुक है जिनको आप जानते हैं और इस तरह से करके या अगर नहीं भी है तो आप ग्रुप के ऊपर एक दूसरे के साथ शेयर करके ग्रुपिंग कर सकते हैं. तो एक पीएचडी और दो एमएस स्टूडेंट मिलके एक ग्रुप बनाएंगे और हर ग्रुप जो है वो इस पेपर को थॉरली इम्प्लीमेंट करेगा. करना क्या होगा कि जैसा कि इस पर्सन ने काम किया हुआ है उसने लाइक जो भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगाया और जिस तरह से रिजल्ट जनरेट किए और जिस तरह से उसने एक्यूरेसी कैलकुलेट की. अब सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमें वो वाला डेटा सेट मिल जाता और हम उस डेटा सेट के ऊपर जब काम करते तो हमारे रिजल्ट हमें पता होता कि एग्जैक्टली इसके बराबर आने चाहिए. मतलब हमारे सामने एक बेंचमार्क होता कि जी ठीक है इस बंदे ने 95% एक्यूरेसी ये वाला KNN का या जो भी वो लगा कर ली है एल्गोरिदम तो हमारा भी 95 ही आनी चाहिए. इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की. लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली चूंकि अभी ऑथर्स ने वो डेटा सेट पब्लिक नहीं किया हुआ और अभी हमारी उनसे मतलब वो गुफ्तगुशनीद का हमारी साइड से तो हमने उनसे रिक्वेस्ट कर लिया अब उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया नहीं. तो अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैम की सजेशन लेके मैम की गाइडेंस के मुताबिक हम कोई और डेटा सेट सेलेक्ट कर लेंगे वो आप सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि सारी क्लास एक ही डेटा सेट पर काम करें. उससे फायदा ये होगा कि जब सारे के सारे एक ही डेटा सेट के ऊपर एक ही एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो उनके रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत वेरिएशन ही होगी. अदरवाइज वो सही आने चाहिए ना. तो थोड़ा सा आइडिया होता रहेगा.
तो एक ये इशू आएगा, बाकी करना आपने यही है कि जिस तरह से ऑथर ने जो जो मेथड इस्तेमाल किया, जो जो उनसे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम सेट किए हैं, वही वाले मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम एज इट इज आपने हमके नक्शे कदम पे चलते हुए अप्लाई करने हैं, और उस रिजल्ट को फिर अगर तो हमें वही वाला डेटा सेट मिल जाता है जो ऑथर ने यूज किया हुआ है, तो उस रिजल्ट को आपने फिर कंपेयर कर लेना है कि आप जो उस पेपर में उस ऑथर ने पब्लिश किए हैं ना, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या अगर हमारे उसके रिजल्ट में कोई फर्क आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमने कोई गलती वलती तो नहीं की। और शायद इससे आगे एक स्लाइड और भी थी आपने, मैं कर लेती हूं। तो खैर उसके बाद मैम ने दो तीन रिक्वायरमेंट ये भी बताई हुई थी कि आपकी जो मार्किंग है वो होगी कंबाइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल ग्रुप, और वो मैम वाइवा से असेस करेंगी, और तीनों मेंबर से इनपुट लेने के बाद जो मार्क्स असाइन करेंगी वो तीनों स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। और अब मसला ये था कि मैम ने पहले जो साइन किया हुआ था वो 14 अप्रैल इसकी डेडलाइन दी हुई थी, लेकिन आज की जिस तरह की ग्रुप में मैसेज है वो मैम ने उसको शायद एक्सटेंड कर दिया है, तो इसके हवाले से जो नई अनाउंसमेंट होगी वो फिर मैम खुद ही से ग्रुप पे कर देंगी, अगर वो हमें अपडेट करती हैं तो हम आपको बता देंगे। अब इससे आगे आपका कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल नेक्स्ट कर दें स्लाइड पे, बिल्कुल इससे आगे कोई क्वेश्चंस वगैरह जो हैं अब हम ओपन फॉर क्वेश्चंस हैं, तो आप जैसे आपने क्लेरिफिकेशन चाहिए तो वो पूछ लें प्लीज। मेरा क्वेश्चन है जी जी प्लीज बोलें। हाँ ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये सारे हमने पढ़े तो है नहीं अभी, तो मतलब ये कैसे अप्लाई करेंगे, तो सारे एल्गोरिथम्स करने के बाद वो मेरे ख्याल से सेमेस्टर का काफी टाइम गुजर जाएगा। हाँ जी ऐसा ही है, लेकिन अभी मसला ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि हम भी आपके साथ ही स्टूडेंट हैं, क्लास फेलो हैं, और हमने भी उतना ही पढ़ा है मशीन लर्निंग को जितना आपने पढ़ा है। इसमें होता नॉर्मली ये है ना, देखें एक तरीका होता है, मतलब मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम अलग अलग होते हैं, उनके रिजल्ट अलग अलग आते हैं, बट उनको अप्लाई करने का तरीका एक ही होगा, ठीक है। तो मे बी शायद हम जब एक तरीका पढ़ लें अप्लाई करने का, तो उसके बाद सिर्फ हमने एल्गोरिदम का नाम उसको फॉरवर्ड करना है, जाहिर है वो पीछे जरूर मशीन लर्निंग का जो भी एल्गोरिदम या जो हमने उसकी लाइब्रेरीज यूज की भी होंगी उनको हम नाम प्रोवाइड करें, ये मेरा ख्याल है, मैं हतमी बात नहीं कह रहा इसमें गलती की गुंजाइश। जी मैं वापस आ गया हूँ, मेरे पास दो लिंक खुले हैं, तो एक लिंक पता नहीं क्यों कंप्यूटर वाला बार बार इशू कर रहा है, उसमें रिकॉर्डिंग भी चल रही है। एनीवे तो इसमें ऐसा है कि आपने एक बार जी तो आपने एक बार जब वो अप्लाई कर लिया एल्गोरिथम, तो उसके बाद आपने नाम ही चेंज करना होगा शायद, और उसके बाद वो जो इंजन है वो खुद बहुत से वो अप्लाई कर देगा, लेकिन स्टिल इसके ऊपर जो फाइनल वर्डिक्ट है वो मैम जुनैरा ही दे पाएंगे। जी और क्वेश्चन कोई? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस जी शुक्रिया सर। जी जी प्लीज आप क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए अदनान सर। हाँ जी मैं कह रहा था कि इन्होंने इसके अंदर एक अपना क्लासिफिकेशन मेथड के मींस वेटेड क्लासिफिकेशन मेथड प्रपोज किया है, तो अब बेसिकली हमें वो के मींस क्लासिफिकेशन पहले पता लगेगी, तो हम वो के मींस उसको वेटेड देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि जो उन्होंने जो सा अपना चेंज किया है उसके अंदर क्या चेंज है, उसको क्या इम्पैक्ट है। तो बात फिर वही आ गई कि जो बेसिक्स हैं पहले हम वो मेथड्स एक बार पढ़ेंगे तो फिर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज पे जा सकते हैं नेक्स्ट। तो ये चीज जो सी आपने मैडम को कंपेयर कन्वे करनी है एज अ कोऑर्डिनेटर के पहले हमें वो एल्गोस हम पढ़ेंगे तो हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक बिल्कुल ये असल में फाइनल वर्डिक कोई वाली बात है कि मैम तो नारी दे सकती हैं, लेकिन यहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद आज का जो लेक्चर है, चूंकि ये जो क्लासिफायर इन्होंने यूज किया ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग का था ना, तो मे बी शायद आज के हमारा जो सेशन था वो शायद सुपरवाइज मशीन लर्निंग की टेक्निक पे ही होता, और अगर ऐसी बात होती और इसके बाद चूंकि मैडम ने प्रेजेंटेशन रखी हुई थी और फिर ये हम आपको सारा कन्वे करते, उससे क्या होता कि आज ही आप शायद वो सुपरवाइज्ड वाले रूल्स या वो उनके डिटेल्स पढ़ते और उनका शायद उसमें मेथड भी डिस्कस हो जाता और उसके बाद साथ ही आपको ये असाइनमेंट या मतलब ये भी मिल जाता।
तो होपफुली जो मुझे शक है वो यही होगा कि शायद हमारा ये जो नेक्स्ट लेक्चर है मशीन लर्निंग के कोर्स का वो इन्हीं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को ही डिस्कस करने के ऊपर है, और उस लेक्चर के गो थ्रू होने के बाद मैम हमें इस काबिल या उस लेवल पे पहुंचा देंगी कि जिसके बाद हम इस एक्टिविटी के अंदर से हैंड्स ऑन कर लें। लेकिन स्टिल जी प्लीज, ये मैम ने रिग्रेशन पढ़ा दिया, जब रिग्रेशन मैम ने पढ़ा दिया तो क्लास मैम से हम लोग ये पूछ लेते हैं कि इस वाले को हम इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ रिग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ मैम ने रिग्रेशन पढ़ाया है, तो साथ साथ जो मॉडल पढ़ाएंगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली उस पे इम्प्लीमेंटेशन करें, तो ये हम लोग अभी पॉइंट मैम को बता सकते हैं कि हम लोग इस तरह कर लें। जी बिल्कुल ठीक है, असल में मैम चूंकि बिजी थी ना तो वो आज हमारी उनसे इस हवाले से प्री मीटिंग हो नहीं पाई, अदरवाइज तो प्लान ये था कि पहले हमारी उनके साथ मीटिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद मैम लेक्चर देंगी और उसके बाद ये प्रेजेंटेशन हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो तीनों चीज़ें एक स्मूथली वो हो जाती। तो बिल्कुल मैम के हवाले से डिस्कस करके ना हम आपको इंशाल्लाह एक आध दिन में इसके हवाले से अपडेट दे देंगे। ज़ाहिर है मैम ने अभी नई डेट भी अनाउंस करनी है, उन्होंने टाइम को एक्सटेंड कर दिया, तो इन द मीन टाइम आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो इस वक्त लाइव यहाँ क्लास में अवेलेबल हैं या इसकी वीडियो देख रहे हैं कि वो कम अज़ कम इस पेपर को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर दें, ताकि कम अज़ कम इस पेपर में जो कुछ हुआ हुआ है कैसे हुआ हुआ है इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, और जो ही हम उस वाले इस इशू को रिजॉल्व करें डाटा सेट वाले और कैसे करने वाले, यानी कि वो मशीन लर्निंग का वो जो एल्गोरिथम लगाना है डाटा सेट पे वो कैसे लगाना है, तो जो ही आप कैसे से निकले तो फौरन उसको अप्लाई कर दें। बाकी ये जो इस पेपर वाले ने क्या पाथ फॉलो किया है, क्या क्या चीजें की हैं, कम से कम उनका आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी। और जो मैम ने हमें ये आज के प्रेजेंटेशन का कहा था उसका मकसद भी यही था कि जो 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 एक होना चाहिए था वो तो मैम के जहन में ऐसे था कि आप सब लोग इस पेपर को पढ़ लेंगे, फिर भी आपके जहन में जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो आज के सेशन में आपके हम लोग क्लैरिफाई कर देंगे इस पेपर के बारे में और जो भी इसके अंदर मेथड इस्तेमाल हुए हैं, और देन फिर उसको जब हम इसको रिलेट करते हैं अपने वो जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के मैडम के लेक्चर के साथ, तो उसके बाद हम इसको फिर इम्प्लीमेंट करके वो हमारा एज ए प्रैक्टिकल हमारा हैंड्स ऑन हो जाता है उस हवाले से। तो आपको कोई क्लैरिफिकेशन हुई इस हवाले से? ओके जी, शुक्रिया जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, आज हम लोग भी इधर हैं और मैम भी नहीं है, तो मतलब टाइम की उतना शायद हमारे पास कोई कैद नहीं है, तो आप लोग बिला तकल्लुफ अगर आपके जहन में अभी भी कोई एम्बिग्यूटी है तो प्लीज को क्लियर कर लें, ठीक है, क्योंकि हमारे मार्क्स में भी आपके हाथों में, हमने अपनी साइड से जो एफर्ट पुट करनी थी वो तो हमने पुट अप कर दी है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है कि आप लोगों को जहाँ गाइडेंस रिक्वायर्ड हो वो हम लोगों ने आपको समझाना है या बताना है जितनी हमारी नाकिस समझ है, तो उस हवाले से आप प्लीज साबिर साहब आप पूछ सकते हैं सवाल बिला तकल्लुफ, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बगैर रेज हैंड किए भी पूछ लें, क्योंकि मैं भी वो पार्टिसिपेंट की स्क्रीन देख भी नहीं रहा, आप प्लीज माइक अनम्यूट कर लें, आपको अलाउ किया हुआ है मैंने। फैजल भाई गुजारिश इस तरह है, असल में मैं कुछ इस वजह से नहीं पूछ पा रहा क्योंकि मुझे मीटिंग का लेट पता चला और मैंने अभी ज्वाइन किया है ना, तो इस हवाले से कुछ बिल्कुल ब्लैंक है कि कौन कौन से एल्गोरिथम जो है ना वो आप लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है, तो इस हवाले से अभी तो मुमकिन नहीं है कि आप लोगों से मतलब कुछ पूछ सकूं क्योंकि मैंने मैसेज लेट देखा, इस वजह से क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पाया। अच्छा, पता क्या होता है, नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो 70-80% सबके सेम ही होते हैं, ठीक है, तो होपफुली मैंने रिक्वेस्ट यही की थी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का जो पार्टिसिपेंट थे कि उन्होंने शुरू में इंटरप्शन नहीं की क्वेश्चंस के वाले से, मैंने शुरू में ही कहा था कि जी आप फिलहाल क्वेश्चन को होल्ड ऑन रखें, अपने पास राइट अप कर लें, अगर सेशन के एंड तक आपके पास उस क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं मिलता तो फिर अब इलाज गलो पूछ लीजिएगा, तो होपफुली आपके भी आंसर या जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर इस सेशन में हमने कंक्लूड कर लिया होगा, तो इसकी इंशाल्लाह जो रिकॉर्डिंग है वो मैं भी कंप्लीट करने के बाद मैम सुनैरा को भिजवा दूंगा और वो GCR पे अपलोड कर देंगी, जब वो अपलोड हो जाएगी जब आप उस रिकॉर्डेड सेशन को देखेंगे क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे और मैम सरवत को पिंग कर सकते हैं, DM कर दें, प्राइवेट मैसेज कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, टाइम का ख्याल रखिएगा,
मतलब दोनों ही फैमिली वाले बंदे, तो हो सकता है आपको अगर आपको लेट नाइट मैसेज करते हैं, क्योंकि अक्सर यंगस्टर जो होते हैं रात को जागरे होते हैं, तो मे भी आपको अगले दिन सुबह या दिन में जवाब मिल जाए, लेकिन मिल जरूर जाएगा इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश होगी आपको गाइड करने की, इस हवाले से आपको फिगर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम भी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उस वक्त आपसे टाइम लेके ही बात करेंगे। नहीं नहीं, नहीं आप टाइम लिए लेने वाले चक्कर में ना अपने टाइम शायद, आप मेरे कह रहे हैं भाई मैसेज हमें भिजवा दें, ठीक है, उसका जवाब मैं कह रहा हूँ कि शायद थोड़ी बहुत अगर हमसे कोताही हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से पेश की मुआजरत कर रहा हूँ। ये आपने नहीं करना कि पहले आप मुझे कहेंगे जनाब मुझे टाइम दे दो, हमको टाइम असर लगे हुए इधर, आपने बिल्कुल आराम से क्वेश्चन भेज देना और इंशाल्लाह हम आपको उसका आराम से आंसर भी जरूर भेज देंगे। ठीक है सर, आपका शुक्रिया, बहुत ज्यादा नवाजिश, मैं मशकूर हूँ आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, शुक्रिया। फरहान भाई आप चुप चुप हैं, आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना आज? चलें जी, अच्छा फैसल भाई, फैसल जी, भाई एक और चीज पूछना था, पीएचडी के यहाँ पे कितने लोग हैं हमारे साथ? एग्जैक्टली तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कम से कम 6 तो होंगे, 6 और 10 एमएमएस साइबर सिक्योरिटी फर्स्ट वाले ही ऐड है ना आप लोगों के साथ, ये सेकंड भी ऐड है भाई? हर तरह के लोग हैं, सीनियर भी हैं जिनका एंड होने वाला है वो भी हैं, शुरू वाले भी हैं। नहीं, असल में ग्रुप की बात कर रहे थे ना, तो इसलिए मैं कह रहा था कि अब हम मतलब उस हिसाब से पीएचडी के दोस्तों के साथ अटैच हो जाए ना। जी जी, वो पीएचडी वाले जी, पीएचडी वाले आपके एमएस वाले ग्रुप के अंदर भी अवेलेबल हैं, तो लाइक कुछ लोगों ने शायद मेरे ख्याल में भी ग्रुपिंग स्टार्ट कर भी दी होगी, तो आप लोग बिल्कुल आपस में कोई रेस करके आपस में गपशप लगा सकते हैं, इसके वाले से कुछ हो नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप साफिर भाई आप समझते हैं कि मेरा कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, तो आप रेस कर दें कि मैं एमएस में हूँ और इस इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले में हूँ या जो भी साइबर सिक्योरिटी में हूँ, और मैं चाह रहा हूँ जो जो मेरे साथ ग्रुप बनाना चाहते हैं वो मुझे पिंग कर दें प्राइवेटली, तो फिर ये होगा कि जो दो बंदे आपको पहले पिंग करते हैं एमएस और पीएचडी वाले वो ऑटोमेटिकली आप उनके साथ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि तो बड़ी आसान सी बात है, बेहतर होता है बंदा खुद से ग्रुप बना ले, जैसे कि हम मैम से लिस्ट, हमारे पास ये तरीका भी है कि मैम से लिस्ट ले लें और हम खुद से मतलब एक पीएचडी और दो एमएस वाले उठा के जोड़ दें, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बेहतर ये होता है कि जिनके साथ आपकी पहले से कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल इसी तरह सर, बिल्कुल। वैसे फरहान साहब, फैसल साहब जी प्लीज भाई, मेरे ख्याल में जो दूसरी आपने बात की है ना कि पैटर्न खुद ही बना दें, वो उसके अंदर ये है कि वो होता है ना, चलो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, कम से कम कौन कौन ग्रुप बनेगा एक ब्लैंक बन जाएगा। चलिए वो ठीक है, लेकिन असल में अगर मैम ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि अभी हम इसको इस तरह से नहीं करते कि हम अपने तौर पर ले लें जिम्मेदारी और बाद में कोई बंदा ये गिला ना करे कि यार आपने मुझे पार्टनर ही ठीक नहीं दिया था जिसने काम नहीं किया, या कोई ऐसी और कोई इशू ना बन जाए। तो देख लें जिनके ग्रुप बन गए वो तो क्लियर हो जाएंगे, जो एंड में रह जाएंगे उनका फिर इशू मैडम खुद रिजोल्व कर देंगी, अगर वो हमें कहती हैं तो हम फिर जो रह जाएंगे उनका आपस में पैचअप करवा देंगे कुछ ना कुछ अपने अपने बिहाफ के ऊपर। फिलहाल जिन लोगों के आपस में है कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट हो सकती है वो लोग खुद कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। असल में किसी को जानने का मौका ही नहीं मिला, कोरोना ने पहले छुट्टी करवा दी, वरना सब खुद बना लेते। नहीं मैं इस हवाले से कह रहा था ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाले हैं लाइक एमएस 2 में हैं, पीएचडी 2 में है मतलब सेकेंड सेमेस्टर में है, तो उनकी शायद पिछले फोरेंसिक्स के भी कुछ लोग मैंने देखा इसके अंदर हैं, खलीक वगैरह पलवशाह भी हैं, तो मे बी शायद कुछ का ग्रुप बन भी चुका हो, हमें पता भी ना हो। सर जिनका ग्रुप में डिस्कस करेंगे, जिनका बन गया होगा ठीक है, बाकी भी कोशिश कर लेंगे कि किसी के साथ बना। जी बिल्कुल हो गया, ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा आज के पेपर के या प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पहले काइंडली वो कर लें, ताकि जिन लोगों ने जाना है फिर वो चले जाएं, और जी जी बिल्कुल उन्होंने नहीं जाना फिर वो भी सारे चले जाएंगे, क्योंकि अगर मैं चला गया तो मीटिंग एंड हो जाएगी और सभी। फैसल भाई वो फरहान भाई का मैसेज आया कि उनको आवाज नहीं आ रही। अब आप सबको आ रही है तो फिर फरहान भाई को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि उनका इशू है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो उनको भी आनी चाहिए। उनसे कह दे रीज्वाइन कर लें। नहीं नहीं वो ज्वाइन नहीं है जी, उनको आवाज आ रही है, उनका मैसेज आ गया है कि वो उनको आवाज आ रही है। ठीक है, इट्स ओके।
जी कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग टेक्निकल क्वेश्चन कोई और से वाले से असाइनमेंट के हवाले से क्वेश्चन है तो प्लीज पहले वो पूछ लीजिए क्योंकि फिर सेशन एंड होने वाला है अभी थोड़ी देर में। आई थिंक सरवत कोई और शायद क्वेश्चन नहीं है। हाँ बिल्कुल अभी तो कुछ समझ में नहीं आई होगी आई गेस। तो नहीं जिन लोगों ने नहीं जिन लोगों ने पेपर पढ़ा है ना और फिर उन्होंने सेशन अटेंड किए उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जिन लोगों ने पढ़े बगैर आ गए हैं जाहिर है वो फिर थोड़ा सा एक बिल्कुल एकदम से आपके सामने इस तरह की बॉम्बार्डमेंट हो जाएगी पेपर है। बस ये कुछ क्यूरीज है हमारी भी जो भी हमने मैम से लेनी है कि मे बी ये डाटा ही रॉ फॉर्म में हमें दे दें तो उसके लिए भी फिर हमें बहुत सी चीजें पहले से और पढ़नी पड़ेंगी। एग्जैक्टली मॉडलिंग हमें प्री प्रोसेसिंग का भी नहीं पता होता तो वैसे तो हम लोग यही कोशिश करेंगे मैम से कहेंगे कि आप एक प्रोसेस डेटा दे दें या हम भी अगर उठाते हैं तो प्रोसेस डेटा उठाएं सिर्फ उसको मॉडल उस पर अप्लाई कर सकें। और आई थिंक असाइनमेंट में यही एक असाइनमेंट एमएस लेवल की पीएचडी लेवल की यही हो सकती है इम्प्लीमेंटेशन पे अगर हम जाते हैं तो प्रॉपर थीसिस है। ये वैसे आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ बिल्कुल यही बात है कि इसके अंदर डेटा सेट बनाना जौन सा है वो एक मतलब कि उसमें कोई 10 स्टेप्स बताए हैं पहले एग्जांपल पार्सर से उसको किया है उसके बाद उसके अपने पाइथन स्क्रिप्ट के जरिए उसके फीचर अलग किए हैं फिर उसके मोबएक्सएफ पे चला गया है मोबएक्सएफ से फीचर निकाले हैं फिर उसके बाद वो उसके वेट्स निकाल रहा है तो वो आधा पेपर तो डेटा सेट बनाने का है मैंने जो पढ़ के देखे हैं तो अभी हम उस लेवल पे नहीं है। बेहतर तो यही है कि अगर मैडम इसको सपोर्ट करें बात को कि फिलहाल प्री प्रोसेस डाटा सेट हो इसके ऊपर मॉडल्स ट्रेन करके सारे हर कोई उसको कर ले उसके बाद प्री प्रोसेसिंग और डाटा क्रिएशन जो सा है वो तो फिर एक नेक्स्ट पूरा स्टेप है ना। बिल्कुल ऐसे ही इसमें तो आपके 6-6 मंथ लग जाते हैं ऐसे डाटा को हैंडलिंग में और ऐसे इतना अगर हाँ कोई एमएस का स्टूडेंट पीएचडी का स्टूडेंट इसमें फ्यूचर वर्क लेना चाह रहा है और उस पर काम करना चाह रहा है तो वो बेशक 6 महीने लगा फिर इस पर प्रॉपर अपना एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन अभी हम यही कर सकते हैं कि प्री डिफाइन इसका जो डाटा सेट है वो हमें मिले और हम उस पर ही सिर्फ मॉडल को ट्रेन करें और मेरी कोशिश यही होगी कि मैडम से यही कहूँ क्योंकि आज मैडम ने तो मैम को जी बिल्कुल चलिए तो हम मैम से डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैं यहाँ पे कमेंट इस पॉइंट पे इसलिए नहीं करूँगा हो सकता है कि मैडम एक टिकट में हमसे दो दो काम करवाना चाह रही हूँ कि ना सिर्फ आपको ये अप्लाई करना आ जाए मशीन लर्निंग का एक एस्पेक्ट होता है कि आपने एल्गोरिथम अप्लाई करना होता है डेटा साइट पे और एक और एस्पेक्ट होता है जो कि बड़ा मेजर एस्पेक्ट होता है जैसा कि मैम सरवत ने बताया कि डेटा की प्री प्रोसेसिंग क्लीनिंग ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज इसके ऊपर आपके डेटा सेट की आउटपुट का दारोमदार होता है कि एक क्लासिफायर खुद बहुत अच्छा होगा लेकिन अगर आपने उसको डेटा सेट सही नहीं दिया या प्रॉपरली क्लीन नहीं किया तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा तो मे बी शायद मैम हमें वो भी सिखाना चाह रही हूँ इस हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता ये मैम ही हमें प्रॉपरली बता पाएंगी। तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया आप सबके पास भी आ गया होगा कि अगले 10 मिनट में ये मीटिंग जबरदस्ती एंड हो जाएगी तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है नहीं तो हम 10 मिनट से पहले इसको खुद ही एंड कर लेते हैं क्या ख्याल आपका होगा। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर साहब आर यू हियरिंग मी। जी जी बिल्कुल आई एम हियरिंग यू प्लीज बताइए। जी विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम सर्वर यू आर आल्सो लिसनिंग। जी बिल्कुल आप बोले। काइंडली अगर आपका कोई ग्रुप मेंबर नहीं है तो आई वांट टू बी टीम विद यू। योर गुड नेम। फरहान। फरहान आप एमएस क्यों है पीएचडी की। हाँ फिर वहाँ कन्फ्लिक्ट हो जाएगा पीएचडी। नहीं फिर मैम एक्चुअली जो पहले बात कर रही थी वो पीएचडी के एक इंडिविजुअल की बात कर रही थी कि वो ये असाइनमेंट अलग से करे ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि पहले जो चांस था बिल्कुल मैम से बात करने सेकंड करूंगा और दूसरी बात ये कि आप ये तो देखें कि हम लोग सुपरवाइजर हैं तो अगर आप हमारे साथ सुपरवाइजर बनना चाह रहे हैं तो मैडम ने आपकी इम्प्लीमेंटेशन हम आपसे करवाएंगे तो हम तो इसको सुपरवाइज करते करते जो है ना भाइयों ने बड़ा तंग करना है लेकिन वैसे जो मेरा ख्याल है वो ये है कि मैम ने मुझे और जिसमें सरवत को इस पर सुपरवाइजर बनाया है तो नेक्स्ट किसी असाइनमेंट में आप और आपके साथ कोई और पीएचडी स्टूडेंट किसी और असाइनमेंट का सुपरवाइजर बन जाएगा ठीक है और उसमें हम लोग यानी कि मैं और सरवत किसी और मेंबर के साथ अपने अपनी टीम के साथ काम कर रहे होंगे और वो जो दो लोग होंगे शायद जिस तरह आप हैं और आपके साथ और पीएचडी सुपरवाइजर है वो किसी और असाइनमेंट को शायद सुपरवाइज कर रहे हो शायद की बात कर रहा हूँ मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन मतलब इस हवाले से तो अगर आप हमारे साथ मिलना चाह रहे हैं एज ए सुपरवाइजर तब भी वेलकम लेकिन डिपेंड करेगा मैम के ऊपर और अगर हमारे साथ मिलना चाह रहे हैं और हमारे बिहाफ के ऊपर आप ये सारे काम आप हमारी टीम के मेंबर के तौर पे करते हैं तो फिर तो मोस्ट वेलकम।
सर इट वाज ओनली ऑन अ लाइटर नोट डिस्कशन ऐसे ही सीरियस चल रही थी तो जस्ट के आई हैव रिटन इट एज वेल इन द चैट सेक्शन थैंक यू जी वेलकम जज़ाकअल्लाह थैंक यू सो मच जी मेरा ख्याल है फरहत फिर सॉरी सरवत हम फिर इसको कंक्लूड करें सेशन को मेरे ख्याल में आज के तो आज हमने इसको थॉरली देखा कि इस पेपर में क्या डिटेल थी किस तरह से वो लेकर चले उसके मेथडोलॉजी के ऊपर हमने थोड़ी सी रोशनी डाली जितनी हमारी उसके हवाले से समझ थी और जितना अभी तक हमने मशीन लर्निंग को पढ़ा है और एट द एंड अभी तक जो हमने फेस इसमें कर रहे हैं इशू वो ये है कि इस वक्त ये जो डेटा सेट है इस पेपर का ये पब्लिकली भी अवेलेबल नहीं है और इसकी जो वेबसाइट है वो भी इस वक्त डाउन जा रही है इस वक्त क्या जा रही है पिछले 3-4 दिनों से जा रही है जब से हमें असाइन हुआ है ये हम लोग इसको कोशिश कर रहे थे एक्सेस करने की और जब एक्सेस नहीं हुई तो हमने इसके ऑथर्स को ईमेल जरूर कर दी है अब उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आता है डेटा सेट के हवाले से वो डेटा सेट मिलता है मैम जुनैरा भी इस हवाले से इन लूप हैं तो हम वो डेटा सेट अप्लाई कर देंगे अदरवाइज फिर मैम ने जो मैम सरवत हैं इन्होंने थोड़ा सा देखा था कि अगर हम ऑल्टरनेट कोई अप्रोच इख्तियार करें और एक कोई छोटा सा डेटा सेट खुद से अरेंज कर लें तो वो अभी कोई कंफर्म नहीं है जैसा कि उन्होंने बताया है अभी मैम जुनैरा इस हवाले से फाइनल डिसीजन भी ले सकती हैं और जाहिर है कि फिर वो डेटा सेट सिलेक्शन में उनकी गाइडेंस हमें इसलिए रिक्वायर्ड होगी क्योंकि वो मशीन लर्निंग को जानती हैं हम अभी नहीं जानते हम जाहिर है स्टूडेंट हैं आपके साथ ही तो इस हवाले से फिर जो अपडेट होगी वो दी जाएंगी बाकी एट द एंड हम दोनों की तरफ से ये सजेशन है आपके लिए कि ऐसे लोग जिन्होंने तो उस पेपर को पढ़ लिया है समझ लिया है और इसके बाद जिस तरह से आज आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है वो तो ठीक है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अपना प्लानिंग स्टार्ट कर दें और ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक इस पेपर को हाथ नहीं लगाया वो थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लें क्योंकि थोड़ा सा हटके है काम और हम भी जाहिर है सभी ज्यादातर जो कोर्स पढ़े इसका मतलब ये कि इससे पहले उनका मशीन लर्निंग में कोई थोड़ा सा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नहीं है तो वो थोड़ा सा कम से कम एटलीस्ट अपने आप को इस लेवल पे पहुंचा दें कि जब ये डेटा सेट का इशू रिजॉल्व हो जाता है और वो क्लासिफायर या वो एल्गोरिथम कैसे इंप्लीमेंट करने हैं इन चीज़ों पे डेटा सेट पे वो आपको क्लियर हो जाता है मैम की तरफ से अगले लेक्चर्स में तो फिर आप लोग फौरन से इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे आ जाएं बजाय इसके कि उस वक्त आप पेपर खोल के पढ़ना शुरू करें और फिर उस वक्त जो टाइम है वो आपका आधा टाइम इसमें गुजर जाएगा पेपर में क्या हो रहा है एक सजेशन है हमारी तरफ से बाकी आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सरवत का मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉपरेट किया और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने अपने एंड के ऊपर लेके मतलब इसको लेके चली तो बाकी हम दोनों आपके लिए अवेलेबल होंगे आप लोग जी वेलकम आप लोग बिल्कुल व्हाट्सएप के ऊपर मेरा और सरवत का नंबर है वो मैम का मैसेज देख लें भी किसी का मुझे मैसेज आया था कि आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है में मुझे डायरेक्ट इन्होंने मैसेज किया आई डोंट नो तो वो अपना मैम का वो देखें जो मैसेज है ना कि दीज टू आर सुपरवाइजर्स फॉर दिस एक्टिविटी तो उसमें वो जो पत्ता सा बना हुआ है ना वो मेरा ही नंबर है ठीक है तो वैसे मैं ये चैट बॉक्स में लिख भी देता हूँ ठीक है और आपको मिल गया होगा बल्कि मैं एवरीवन के साथ कर देता हूँ मैम अगर आप भी शेयर कर लें ताकि अगर किसी को आइडिया नहीं हो रहा चैट से तो वो उनको आपका नंबर मतलब पता चल जाए ना तो किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो तो वो उस हवाले से कर सके बिकॉज एक तो मैसेज आया मुझे कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें तो जाहिर है ग्रुप के ऊपर तो आ रहा है लेकिन इनको पता ये नहीं चल रहा होगा कि इसमें से मेरा नंबर कौन सा वाला है और आपका नंबर कौन सा वाला है वैसे तो मैम के मैसेज में वो उन्होंने इंडिकेट किया था हम दोनों को बाय नेम तो जिसने नहीं नोट किया वो यहाँ से नोट कर लेगा तो बाकी हम लोग बिल्कुल आपके साथ है और जितनी हम लोगों से एफर्ट पुट होगी इंशाल्लाह अज़ीज हम जरूर पुट करेंगे आप लोगों की क्यूरीज को क्लियर करने के लिए तो आई थिंक यहाँ हम सेशन को करते हैं कंक्लूड क्योंकि वैसे भी 2 मिनट रह गए सेशन एंड होने में तो ठीक है अपना ख्याल रखिएगा आप लोग ठीक है मैम सर ठीक है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज ये जो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं इंशाल्लाह मैम जुनैरा को भी आज रात को फॉरवर्ड कर दूंगा और वो फिर चूंकि उन्हीं के पास राइट है जीसीआर पे अपलोड करने के तो होपफुली आज रात या कल आपको वहाँ जीसीआर पे अपलोड भी कर देंगे ताकि जो हमारे बाकी साथी जो ये सेशन नहीं ले सके या जिस तरह साबिर ने हाफ में ज्वाइन किया वो फिर इसको थोड़ा सा वहां से लेके गुड कर ले थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिएगा आप सबके लिए ढेरों दुआएं और नेक ख्वाहिशात के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।